झूठ बोले काटे कौवा, अरे मेरा मतलब था झूठ बोले कौवा काटे। तो अब हमारे साथ सबसे पहले खामखा पार्टी से जुड़ रहे हैं चटक चिंटू जी। नमस्कार। सबसे बड़े देशभक्त नेता है और देख लेना इस बार हमारे नेता पप्पू सिंह जी ही जीतेंगे। असली देशभक्त नेता तो हमारे नेता मोहन प्यारे जी है। देखो देखो कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं, देशभक्त नहीं देशद्रोही है। देशद्रोही आप है, देशद्रोही आप है, देशद्रोही अरे आप है। आइए देखते हैं इनका हाल।
मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी मदद करो। हे भगवान, किसी को तो भेज। अरे क्या हुआ, शांत हो जाओ। अरे पिता जी, मैंने आपको टीवी में देखा है, आप मेरी मदद करेंगे ना? मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज मेरी मदद कीजिए पिता जी। वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम मेरे लिए गवाही दे सकती हो कि हम इस देश के सच्चे भक्त, मेरा मतलब देशभक्त हैं? हाँ। अरे इतना गुस्सा नहीं चाहिए तुम्हारी गवाही, रहो अपने हाल पर। चलो मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। अब भारत को क्या जवाब देंगे? सही कह रहे हो भाई प्यारे, वैसे तो हर रोज लोग हजार झूठ बोलते रहते हैं, पर आज सारे के सारे राजा हरिश्चंद्र बन बैठे हैं। घोर कलयुग भाई, पर एक समाधान है मेरे पास। कहो तो बताओ क्या है, जल्दी बताओ, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों ना मैं तुम्हारा गवाह बन जाऊँ और तुम मेरे? कहो कैसी रही? अरे वाह, क्या धमाल करते हो, धोती को फाड़ते हो, रुमाल करते हो। अरे यहीं से तो जाना था। गुरुदेव गुरुदेव आ गए दोनों जी। गुरुदेव बस आ ही गए, कहो तो बता दें। चलो चलो, बुलाओ बुलाओ। देखिए गुरुदेव, आपने हमें के गवाह लाने को कहा था, तो ये मेरे गवाह बन गए और मैं इनका, तो हो गई ना शर्त पूरी। बड़े चालाक हो बेटा, पर ये कैसे साबित करोगे कि तुम दोनों इस देश के सच्चे देशभक्त हो? यह महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, घर में रोटी भी यही बनाता है। तुम तरफदारी कर रहे हो ना? अरे हाँ हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो तुम बताओ। ये एक सच्चा देशभक्त है क्योंकि हाँ हाँ हाँ, इसको राष्ट्र का गाना जो आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों ने ये तो साबित कर दिया कि तुम दोनों इस देश के सच्चे देशभक्त हो, पर ये कैसे बताओगे कि तुम दोनों में से देशद्रोही कौन है? यही तो है देशद्रोही। तो देखा आप लोगों ने कैसे ये नेता लोग कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, कैसे एक दूसरे को बदनाम करते हैं। तो अब से वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचना। या।